सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रोड डैडर व्लॉग। तो दोस्तों, मैं आपको बताया तो आज मैं नेशनल क्राफ्ट म्यूजियम आया हुआ था। और दोस्तों, हमारा जो यहाँ का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो सुप्रीम कोर्ट है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन से आते हो तो आपको ऑटो करना है, वहाँ से ऑटो वाला आपसे 20 रुपये लेगा, यहाँ पर वो आपको छोड़ देगा। और दोस्तों, आप पहली वीडियो हमारी एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं आपको यहाँ के बारे में सब कुछ बताऊँगा डीपली एक एक करके। तो इसी के साथ दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपना आज का व्लॉग। तो दोस्तों, मैं आपको बताया तो नेशनल क्राफ्ट म्यूजियम के बाहर इन्होंने दीवार पर भी कुछ ये फोटोज़ बना रखी हैं। और दोस्तों, मैं अगर यहाँ पर पार्किंग की बात करूँ तो नेशनल क्राफ्ट म्यूजियम के साइड में यहाँ पर इन्होंने पार्किंग बना रखी है, यहाँ पर अपनी बाइक और कार पार्क कर सकते हैं फ्री में। और दोस्तों, ये नेशनल क्राफ्ट म्यूजियम का मेन गेट है, आइए यहाँ से अंदर चलते हैं। और दोस्तों, मैं अगर यहाँ के टाइमिंग की बात करूँ तो ये सुबह 11:30 बजे खुल जाता है और ये मंडे को क्लोज रहता है। और दोस्तों, मैं अगर यहाँ के टिकट प्राइस की बात करूँ तो यहाँ के टिकट इंडियंस के लिए 20 रुपये की और फॉरेनर के लिए यहाँ के टिकट 300 रुपये की है। और दोस्तों, यहाँ पर आपको ऑडियो गाइड भी मिल जाएगा, जिसकी हिंदी की कॉस्ट 60 रुपये और इंग्लिश की कॉस्ट 100 रुपये है। दोस्तों, ये क्राफ्ट म्यूजियम का पूरा मैप है। और दोस्तों, यहां से आगे जाके हमारी सारी गैलरी आ जाएंगी। और दोस्तों, देखो यहाँ पर एक कुत्ता भी बैठा हुआ है, जो कितने मजे से यहाँ पर बैठा हुआ है। और दोस्तों, ये क्ले वर्क है छत्तीसगढ़ का। और दोस्तों, ये हमारी कठपुतलियां हैं।
और दोस्तों हमारी जो अगली गैलरी है वो वस्त्र विथी गैलरी है। मतलब इस गैलरी में ना ज़्यादातर कपड़ों के बारे में बताया गया कि राजस्थान में ये कपड़े थे। और दोस्तों अगर आपको इस गैलरी के बारे में पूरा पढ़ना है तो आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। और दोस्तों ये नेचुरल डाई है, मतलब बिल्कुल एकदम ओरिजिनल जिसे कहते हैं। और दोस्तों ये राजस्थानी पगड़ियाँ हैं। और दोस्तों ये राजस्थानी ड्रेस है। और दोस्तों अब हम चलते हैं ऑडियो रूम में। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ऑडियो रूम के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, मतलब बस एक एलसीडी लगी हुई और यहाँ पर 3 चेयर डली हुई है, आप बैठ के वो देख सकते हो वीडियो जो मतलब यहाँ पर चल रही है। और दोस्तों अब हम चलते हैं अनुष्ठानिक विधि गैलरी में। और दोस्तों ये गणेश जी हैं छोटे और बड़े साइज के। और दोस्तों ये नवाब रागनपुर के महल से प्राप्त की गई लकड़ियां हैं। और दोस्तों ये हवेली है पटना की शानदार। तो आइए दोस्तों मैं आपको ये पटना की हवेली एक बार अंदर से दिखाता हूँ पूरी।
दोस्तों ये सौराष्ट्र के घर का आंतरिक भाग है। और दोस्तों आप जो ये चीज देख रहे हो ये चीज 19वीं सदी से लेकर 20वीं सदी तक की है। और दोस्तों ये बर्ड हाउस है। तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ की सारी गैलरी दिखा दी है, हम बाहर चलते और देखते बाहर क्या क्या चीज़ें हैं। तो दोस्तों ये जम्मू कश्मीर की हट है। और दोस्तों ये ऑयल प्रेस है, मतलब इसका यूज़ ना मूंगफली सरसों आदि का तेल निकालने के लिए किया जाता था। और दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश की कुल्लू कोटरी है। और दोस्तों ये विवाह स्तंभ है गुजरात का। और दोस्तों ये निकोबार हट है। और दोस्तों ये पारंपरिक पुरुष गृह है नागालैंड का। और दोस्तों मैं आपको बताया तो यहाँ पर एक डांस शो भी होता है, तो आइए मैं आपको डांस शो दिखाता हूँ पूरा। भाई तूने फोन उल्टा पकड़ रखा है, फोन टेढ़ा पकड़ना होता है, फिर ठीक है। Thank you.
दोस्तों नेशनल क्राफ्ट म्यूजियम के अंदर ना एक मतलब छोटा सा बाजार भी लगता है, वहाँ से सामान वान खरीद सकते हैं। मैं आपको एक बार वाला पूरा बाजार भी दिखा देता हूँ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप लोगों को पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है। और अगर आपने हमारी अली वीडियो यहाँ तक देखी है और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना बिल्कुल मत भूलना। इसी के साथ मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।